Hello students, good morning. Students, my name is Garvi Naitik and we are studying your chapter number 1 of class 7, that is integers. And in this video, we are starting your introduction for your exercise number 1.3. के 1.3 exercises में जो भी topics आने वाले हैं, इसका पूरा introduction यहाँ पर हम लेंगे. जो भी concept है, वो concept हम पूरे के पूरे समझेंगे. तो ये video खास ध्यान से देखना है और खास ध्यान से समझना है. क्योंकि अगर ये video में सारे topics आपको आ गए, तो आपकी exercise number 1.3 बहुत ही easy हो जाएगी. चलो, तो first topic है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स. हम लोगों ने आज तक मल्टीप्लीकेशन कर लिया है, पर मल्टीप्लीकेशन हम किसका कर रहे थे? होल नंबर्स का कर रहे थे. यानी कि आज तक हमने माइनस वाले कभी भी मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहे. हम कर रहे थे कि भाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 15, 10 मल्टीप्लाई बाई 7 यानी कि 17, 11 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 55, 12 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 60. ऐसे हम अलग अलग टाइप के मल्टीप्लीकेशन बहुत कर चुके. ओके, बट ऑल दिस मल्टीप्लीकेशन आर ऑफ अ होल नंबर्स. वो होल नंबर्स के थे और अब हम इंटीजर्स के लिए कर रहे हैं. इंटीजर्स यानी क्या? माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट सारे नंबर्स. चलो, तो फर्स्ट टॉपिक है उसके अंदर कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर. जब मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं, तो अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम करें कि भाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 दोनों पॉजिटिव है, तो कोई टेंशन नहीं है कि भाई आंसर 15 ही आएगा. पर यहां पर किसकी बात हो रही है? पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर. तो पॉजिटिव यानी कि 5, नेगेटिव यानी कि माइनस 3. 5 यानी कि प्लस 5 है, उसे प्लस 5 दे देते हैं. प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3. जब एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर विल बी ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर. ओके, आंसर क्या आएगा? नेगेटिव इंटीजर. यहां पर मैं बाजू में आंसर लिख ही देता हूं कि आंसर के अंदर नेगेटिव इंटीजर ही आएगा. चलो कुछ और ट्राई करते हैं कि माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 7. ओके, अब भाई पॉजिटिव नेगेटिव की भाई हम चेंज कर रहे हैं पोजिशन, या इस साइड नेगेटिव आ गया, इस साइड पॉजिटिव आ गया. माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 7, तो पहले तो भाई साइन को भूल जाओ. 7 जा 49. ओके, एक माइनस एक प्लस. ओके, जब एक माइनस और एक प्लस हो तो वो हो जाएगा माइनस. ओके, माइनस प्लस या प्लस माइनस कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन में माइनस आएगा. हम लोगों ने एडिशन के लिए देखा हुआ है, यहां पर मैं लिखता हूं. एडिशन के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि जब दो साइन अलग अलग हो, डिफरेंट साइन हो, तो हम क्या कर रहे थे? सब्ट्रैक्शन. एंड साइन ऑफ बिगर नंबर, बड़े नंबर की साइन, बिगर नंबर की साइन हम दे रहे थे. ओके, फिर दोनों साइन सेम हो तो हम लोग कर रहे थे एडिशन, और साइन बड़े नंबर की दे रहे थे. पर यहां पर ऐसा नहीं है, छोटा बड़ा नंबर नहीं देखना. हमें क्या देखना है कि प्लस और माइनस, जब एक माइनस है तो आंसर में माइनस ही आएगा. क्लियर? ओके, चलो आगे देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स. दो नेगेटिव इंटीजर्स हो, यानी कि माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7, तो 7 से क्या हो जाएगा? 49. पर हम क्या कर रहे हैं? माइनस 7 माइनस 7, तो ये दोनों के एक एक माइनस है, तो वो हो जाएगी कट और ये प्लस 49 हो जाएगा. दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, तो 15 3 45, माइनस माइनस कैंसल आउट. जब भी याद रखना कि जब भी हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन में जब दो बार माइनस आ रहे, दो बार माइनस वाले नंबर है ना, तो वो दो कट हो जाएंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. और बाजू में भाई प्रीवियस जो हमने देखा था, प्रीवियस स्लाइड का लिख लेते हैं हम कि जब भी एक प्लस और एक माइनस हो, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3, तो आंसर आएगा 15. पर कैसा? माइनस. जब भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर है, तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव. जब दोनों नेगेटिव इंटीजर है, तो आंसर कैसा आएगा? आंसर आएगा पॉजिटिव, यानी कि प्लस.
ओके, ये खास याद रखना। क्यों प्लस? क्योंकि दो माइनस जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे, इसलिए आंसर आता है पॉजिटिव। याद रह गया? क्लियर। चल आगे देखते कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। भाई अभी हमने दो दो जो एग्जांपल देखे वो कैसे थे कि जिसके अंदर दो दो थे, सिर्फ दो ही इंटीजर्स थे। अब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ थ्री और मोर नेगेटिव इंटीजर्स, तीन या उससे ज्यादा नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट, तो वो किस तरह से होगा? चलो देखेंगे। यहां पर मैं लिखता हूं माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। दोनों कैसे हैं? नेगेटिव इंटीजर है, तो थ्री टू जा सिक्स, ये माइनस माइनस कैंसल, दोनों नेगेटिव तो कैंसल हो जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर अभी भी बचा है, ओके, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि माइनस ट्वेंटी फोर। ओके चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस सेवन। चलो अब खास ध्यान से समझना, यहां पर कितने थे? तीन नंबर्स थे। यहां पर कितने? चार नंबर। तो मैं पहले इन दोनों का और इन दोनों का कर दूंगा, चार नंबर। इसका मीनिंग क्या है कि माइनस माइनस, भाई यहां पर भी माइनस माइनस कट हो जाएंगे, यहां पर भी माइनस माइनस कट हो जाएंगे। ओके तो फाइव टू जाइए टेन हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय सेवन थ्री जाइए ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई बाय टेन यानी कि टू वन जीरो। अब यहां पर एक चीज समझने जैसी है कि जब भी हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं और इंटीजर्स या तो तीन या पांच या सात इंटीजर्स है, तो क्या होगा कि आंसर हर बार माइनस आएगा, क्योंकि जोड़ी में दो कटेंगे एक रह जाएगा हर बार। ओके और जब हम भाई चार इंटीजर, दो इंटीजर, छह इंटीजर, आठ इंटीजर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दो 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 हर बार कट जाएंगे और आंसर हर बार प्लस आएगा। यहां पर भाई बड़े एग्जांपल लेके दिखाता हूं, ये माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन। तो यहां पर देखो ये टू टू और ये अकेला, तो ये दो दो कट हो जाएंगे तो वन आएगा, मल्टीप्लाई बाय इसमें से भी दो कट हो जाएंगे तो ये वन आएगा, पर साथ में एक माइनस वन बचेगा। वन वन जा वापस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, तो वन वन जा माइनस वन। तो जब भी इंटीजर्स कितने हो, तीन पांच सात ऐसे इंटीजर्स हो, जब भी ऑड नंबर इंटीजर्स हो तो क्या होगा, आंसर हर बार माइनस। और जब भी इवन नंबर्स में इंटीजर्स होंगे, यानी कि भाई माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 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 माइनस वन। तो यहाँ पर देखो, इसमें से दो कट, इसमें से ये जोड़ी कट, इसमें से ये जोड़ी कट, यानी कि जब भी पेयर ऑफ इंटीजर्स नेगेटिव है, जब पेयर बन रही है दो, तो उसमें से दोनों कट जाएंगे, सामने सामने माइनस कट जाएंगे। पर जब पेयर नहीं बन रही और एक बच रहा है, एक कब बचेगा? ऑड नंबर्स में एक बचेगा, तो आंसर हर बार माइनस। और जब इवन नंबर ऑफ इंटीजर से तो हर बार प्लस। क्लियर? ये क्या था? थ्री और मोर नेगेटिव इंटीजर, तीन या उससे ज्यादा नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तो क्या होगा, तो कुछ इस तरह से होगा। ये याद रखना कि भाई जब भी ऑड नंबर्स में है, ऑड नंबर्स ऑफ इंटीजर, ऑड नंबर ऑफ इंटीजर, तो आंसर कैसा आएगा? आंसर नेगेटिव आएगा। और जब इवन नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे, तो आंसर कैसा आएगा? आंसर आएगा पॉजिटिव। क्लियर? चल तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन, हम लोगों ने एडिशन के लिए प्रॉपर्टीज देखी थी, अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन के अंदर। तो यहां पर क्या है भाई, प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं हम? इंटीजर्स की। तो बात होगी इंटीजर्स, यानी कि माइनस वाले भी नंबर हो सकते हैं, प्लस वाले भी हो सकते हैं। चलो क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन, इसका मीनिंग क्या है कि इफ यू आर मल्टीप्लाइंग एनी टू इंटीजर, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग एनी टू इंटीजर, द आंसर विल बी ऑलवेज एन इंटीजर। बाई थ्री इंटीजर है, हाँ सर। सेवन इंटीजर है, हाँ।
मल्टीप्लाई में आंसर क्या है 21 इंटीजर है, यस। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, -5 मल्टीप्लाई बाई 10, -5 इंटीजर है, यस सर। 10 इंटीजर है, यस सर। 10 मल्टीप्लाई बाई 5 50, पर अभी हमने देखा कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आंसर क्या माइनस, अगर दोनों साइड माइनस माइनस होते तो दोनों कट हो जाते। दूसरा देखते हैं, -7 मल्टीप्लाई बाई -5, 7 5 जा 35, माइनस माइनस हो जाएंगे कट, ये माइनस कट, यानी कि 35 आंसर। -7 इंटीजर है, हाँ। -5 इंटीजर है, हाँ सर। आंसर 35 इंटीजर है, हाँ। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं कि इफ यू आर मल्टीप्लाइंग एनी टू इंटीजर्स, जब आप किसी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई कराते हो, द आंसर विल बी ऑलवेज एन इंटीजर। आंसर हर बार क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी डिजिट ले लो भाई, हर बार आंसर इंटीजर ही आएगा, ये तो कंफर्म बात है। ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लियर। चलो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं कि कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। बात इंटीजर की हो रही है, याद रखना माइनस प्लस कोई भी नंबर आ सकते हैं। कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी आपको ऐसा कहती है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। ओके चलो ट्राई करते कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं लिखता हूं एग्जाम्पल नंबर 1, 5 + 3 इज इक्वल टू क्या 3 + 5 होगा, ए यानी कि 5, बी यानी कि 3, 5 + 3 8 एंड 3 + 5 = 8 हो रहा है। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते, -5 + 7 ओके, और बी क्या है हमारे पास 7 + -5। अब इन दोनों का आंसर सेम आया तो चलेगा, -5 + 7 क्या हो जाएगा भाई, दोनों साइन अलग अलग है, प्लस माइनस कर रहे हैं, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन, 7 में से 5 जाएंगे तो 2, और साइन ऑफ बिगर नंबर यानी कि 7 की साइन बड़ा नंबर 2। ओके चलो 7 + -5 तो 7 + - हो जाएगा -5। ओके तो 7 - 5 = 2, तो देखो भाई यहां पर भी 2 यहां पर भी 2, दोनों आंसर सेम। तो इसका मीनिंग क्या है कि इफ यू आर इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एनी टू इंटीजर्स, ओके, जब आप किसी दो इंटीजर का ऑर्डर चेंज करते हो, ओके, तो आंसर हर बार सेम आता है। ये हमने किस में देखा था, एडिशन के अंदर। ये क्या है भाई एडिशन, हम भाई पुराना पहले तो रिकॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं रिकॉल, हमने एडिशन के अंदर कुछ ऐसा देखा था। अब मल्टीप्लीकेशन के अंदर ट्राई करते कि क्या ऐसा ही होता है या नहीं। तो चलो मल्टीप्लीकेशन का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल, ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए होना ही चाहिए। चलो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि 7 × 5 और क्या 5 × 7 सेम होगा, यस 35 होगा। चलो होगा। सेकंड, एक माइनस एक प्लस ले लेता हूँ, -8 × 6 ओके एंड 6 × -8 भाई, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या होगा आंसर में, तो नेगेटिव आएगा, 6 × 8 = 48 और यहां पर भी 6 × 8 = 48 पर कैसा माइनस, तो भाई कोई चेंज नहीं। तीसरा एग्जांपल ले लेता हूं, -7 × -6 -6 × -7 भाई दोनों का देखो ऑर्डर चेंज कर रहा हूं, तो क्या होगा 6 × 7 = 42 -, कैंसिल यानी कि +42, यहां पर भी -, कैंसिल 6 × 7 = 42, तो आंसर आ रहा है सेम, आंसर आ रहा है सेम। तो इसका मीनिंग क्या है कि इफ यू आर डूइंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी टू इंटीजर, जब आप किसी दो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो एंड यू आर इंटरचेंजिंग द ऑर्डर, और आप उसका ऑर्डर इंटरचेंज कर रहे हो, ए मल्टीप्लाई बाई बी या बी मल्टीप्लाई बाई ए, द आंसर विल ऑलवेज रिमेन सेम, आंसर हर बार सेम टू सेम रहेगा। तो ये हो गया हमारा कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कि आंसर दोनों का सेम रहेगा, आप अप्लाई कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, घुमा सकते हो।
ओके भाई, तीन नंबर होते ना तो भी ऐसा होता, अभी जगह कम है तो इसलिए नहीं रख रहे। ये एडिशन किस लिए है भाई? ये रिवीजन के लिए। हाँ भाई रिवीजन, ये रिवीजन है पूरा, और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन। चलो सेकंड देखते कि मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो यह टॉपिक। एट मल्टीप्लाई बाय जीरो द आंसर विल बी जीरो। 955 मल्टीप्लाई बाय जीरो द आंसर विल बी जीरो। जीरो मल्टीप्लाई बाय 348,975 द आंसर विल बी जीरो। इट मीन्स इफ यू आर मल्टीप्लाइंग एनी डिजिट विद द जीरो, यानी कि जब आप किसी भी डिजिट को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हो द आंसर विल बी ऑलवेज अ जीरो। भाई किसी भी नंबर को आप जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हो ना तो आंसर हर बार जीरो ही मिलता है। चलो अगर ऐसा है तो हम लिख भी देते कि इफ यू आर मल्टीप्लाइंग any number by zero the answer will be always a zero। ओके जब भी आप किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हर बार जीरो ही होता है, ये तो क्लियर है। चलो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ओके क्या लिखा है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी? तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है? मैं लेता हूं 11 मल्टीप्लाई बाय 1, 11 वन जा 11, 75 मल्टीप्लाई बाय 1 75, 338 मल्टीप्लाई बाय 1 338। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का मीनिंग ये है कि जिस नंबर से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, जिस नंबर से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आंसर वही नंबर रहना चाहिए। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग एनी नंबर विथ 1 द आंसर विल बी ऑलवेज एन दैट नंबर। जब आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर वही नंबर रहता है, उसे बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि उसकी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं। ओके सपोज के आपका नाम है मौलिक, ओके मौलिक मल्टीप्लाई बाय 1 तो मौलिक मौलिक ही रहेगा, पर मौलिक मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा तो मौलिक दो बार हो जाएगा, मौलिक का स्क्वायर हो जाएगा। ओके तो हम किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी आइडेंटिटी वो वही का वही रहता है, कोई चेंज नहीं आता है, तो ऐसा कौन है? 1। किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो आंसर में कोई चेंज नहीं। ओके तो ये हो गई हमारी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। क्या है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी? इज 1। क्लियर। चलो आगे देखते हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लीकेशन। ओके एसोसिएटिविटी, अब देखते हैं एसोसिएटिविटी क्या कहती है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। क्या चेंज दिख रहा है कि जब हमारे पास कोई तीन नंबर हो, अगर आप आगे वाले दो को ब्रैकेट दो, पीछे वाला अलग रखो, आगे वाले को अलग रख के पीछे वाले दो को ब्रैकेट दे दो तो आंसर विल ऑलवेज रिमेन सेम, आंसर सेम रहना चाहिए। अगर रहता है तो यस कहेंगे, नहीं रहता है तो नो कहेंगे। ओके ऐसा ही हमने एडिशन के लिए भी देखा था। एडिशन के लिए क्या देखा था भाई? यहां पर मैं लिख देता हूं रिवीजन ऑफ एडिशन। भाई एडिशन के लिए हम लोगों ने कुछ देखा था कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा हो रहा था, आप लोगों ने ऐसा देखा था और हो रहा था, हर बार ऐसा ही हो रहा था। तो क्या मल्टीप्लिकेशन में होगा? डिजिट्स लेकर एग्जांपल लेकर ट्राई करते हैं।
टू मल्टीप्लाई बाई सेवन मल्टीप्लाई बाई फोर, टू मल्टीप्लाई बाई सेवन मल्टीप्लाई बाई फोर, सेवन टू जा फोर्टीन मल्टीप्लाई बाई फोर, टू मल्टीप्लाई बाई सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, ओके फोर्टीन फोर जा फिफ्टी सिक्स, ट्वेंटी एट टू जा फिफ्टी सिक्स, ओके तो आंसर दोनों का कैसा आया, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं भाई, आगे वाले दो को ब्रैकेट दो, पीछे वाला अलग रखो, आगे वाला अलग रख के पीछे वाले दो को ब्रैकेट दो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। चलो अगर भाई हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो माइनस वाले भी होने चाहिए ना, माइनस वाले ले लेते हैं। चलो यही एग्जांपल माइनस में करते हैं, माइनस टू मल्टीप्लाई बाई सेवन मल्टीप्लाई बाई फोर, माइनस टू मल्टीप्लाई बाई सेवन मल्टीप्लाई बाई फोर, सेवन टू जा 14 पर कैसा हो जाएगा, माइनस फोर्टीन मल्टीप्लाई बाई फोर, माइनस फोर्टीन फोर जा 56 पर कैसा माइनस, चलो माइनस टू मल्टीप्लाई बाई सेवन फोर जा 28, 28 टू जा हो जाएगा 56 पर कैसा माइनस, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस है, क्लियर। तो भाई जब हम एसोसिएटिविटी अप्लाई कर रहे हैं इट मीन्स कि भाई आगे वाले दो को ब्रैकेट दो पीछे वाला अलग रखो, पीछे वाले दो को ब्रैकेट दो आगे वाला अलग रखो, तो आंसर हर बार सेम आएगा, किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ पर एसोसिएटिविटी अप्लाई हो सकती है किसके लिए भाई, मल्टीप्लीकेशन के लिए, क्लियर। तो ये थी एसोसिएटिविटी, अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ओके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो चलो डिस्ट्रीब्यूटिव भाई खास ध्यान से समझनी है क्योंकि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स और समझने जैसी है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी, जब ऐसा है तो क्या होगा, खास ध्यान से समझना कि जब पीछे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर या तो प्लस है या तो माइनस है, और ब्रैकेट के आगे मल्टीप्लीकेशन है, तो उसका मीनिंग है ये जो ए है ना, ए विल बी मल्टीप्लाई विथ बी एंड मल्टीप्लाई विथ सी ऑल्सो। तो आंसर क्या होगा इसका कि ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस, क्यों प्लस, यहां पर जो साइन होगी ना भाई, यहां पर जो साइन है ना वो हर बार यहां पर आएगी, ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई सी होगा। और जब अगर माइनस है कि ए मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी, तो सेम टू सेम ए मल्टीप्लाई बाई बी ए मल्टीप्लाई बाई सी पर बीच में हो जाएगा माइनस, ए मल्टीप्लाई बाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाई सी, चेंज सिर्फ इतना। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ओके ए मल्टीप्लाई बी के साथ भी होगा, ए मल्टीप्लाई सी के साथ भी होगा। अब इसका भाई दोनों का अलग अलग नाम है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, क्योंकि बीच में एडिशन की साइन है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्शन की साइन है। चलो एग्जाम्पल लेके देखते कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। एग्जाम्पल पहला हम लेते हैं एडिशन के लिए, ए के लिए ले लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 7, ये क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 2 के साथ भी होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 के साथ भी होगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई बाई 2, बीच में साइन क्या आएगी प्लस की, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 7, 5 टू जा क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 7 जा क्या हो जाएगा 35, 10 प्लस 35 इज इक्वल टू 45, क्लियर। जो 5 है वो 2 के साथ भी मल्टीप्लाई, 5 7 के साथ भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये भाई हमने एडिशन कर ले के लिए कर लिया, अब सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते, सपोज कि 7 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 2, तो 7 विल मल्टीप्लाई बाय 5 ऑल्सो एंड 7 विल मल्टीप्लाई बाय 2 ऑल्सो, तो ब्रैकेट देंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में साइन माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 5 जा 35, बीच में माइनस 7 2 जा 14, ओके 35 माइनस 14 हमें करना पड़ेगा, 5 माइनस 4 यानी कि 1, 3 माइनस 1 यानी कि 2,
21 आंसर आएगा। चलो अब खास ध्यान से समझना, जब एग्जाम्पल्स आएंगे ना आपके तो किस तरह से होंगे कि एग्जाम्पल में आपको कुछ ऐसा दिया होगा, क्या दिया होगा, ऐसा कुछ दिया होगा और आपको इसके ऊपर का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि ये एग्जाम्पल आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ होगा, कैसे कि 5 × 2 − 5 × 7 ऐसे दिया होगा और हमें सॉल्यूशन करना होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके। तो आप क्या देखोगे कि दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या है, दोनों ब्रैकेट में कॉमन है सर 5, तो आप लिखोगे बाहर 5। दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, तो ओके मल्टीप्लाई। इस ब्रैकेट में क्या बचा 2, इस ब्रैकेट में क्या बचा −5। ओके सॉरी बेटा कहाँ गया इरेजर हमारा, इस ब्रैकेट में हमारे पास बचा 2, बीच में साइन प्लस क्योंकि ये प्लस था, और इस ब्रैकेट में हमारे पास बचा 7। ओके तो आप क्या करोगे 5 × 7 + 2 = 9, 9 × 5 = 45, आंसर सेम भाई। ओके एक प्रोसेस हमने इस तरह से की और एक प्रोसेस हमने इस तरह से की, रिवर्स की, पर हमारे एग्जांपल्स में आपको इस तरह से दिया गया होगा कि दो ब्रैकेट होंगे, दो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लीकेशन कंपलसरी होना चाहिए, उसके बीच में या तो प्लस या तो माइनस। चलो यहां पर इस एग्जांपल के लिए देखते कि कैसे होगा, 7 × 5 − 7 × 2। दोनों ब्रैकेट आपने देखे, दोनों में एक नंबर कॉमन होना चाहिए, दोनों में एक नंबर कॉमन, तो उसे लिख लोगे आप 7, बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन, यहां पर 5 बचा बीच में माइनस, यहां पर 2 बचा, 7 × 5 − 2 = 3 = 21, यहां पर जो आंसर आए वो भी यहां पर आया। ओके करेंगे इस तरह से क्योंकि हम इजी कर रहे हैं, ये तो भाई डिफिकल्ट कर रहे हो, ये डायरेक्ट दिया तो सर हम ऐसे ही ना करें, दो स्टेप में आंसर खत्म। पर ये किस लिए था, समझने के लिए कि हमें पता चले कि जब भी कोई ऐसे नंबर्स आ रहे हैं ना तो आप इसे रिवर्स प्रोसेस में जाकर कर सकते हो, इसलिए क्लियर। चलो तो ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी और यहां पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 के लिए सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। सारी चीजें आपको याद रखनी है, एक एक बार सारी चीजें प्रॉपरली देखनी है, उसके बाद जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, क्लियर। चलो तो यहां पर ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।